कट जाएगा सर, चलो चलो चलो। काफी देश विदेश घूमते हैं, अभी पटना गोलघर में आए, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। यू लाइक मोर ट्रैवल इन टुकटुक और इन कार? इस पे आपने बिल्कुल मत फंसना अगर आप यहाँ पे रह रहे हो। मैंने ट्राई किया, कुछ नहीं हो पाया अंग्रेजी में। अच्छा, तुमको लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा यहाँ पे? हाँ, यू थिंक दैट आई विल डाई हियर? आई स्टे हियर फॉर दुआ गॉड। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ अपने राज्य के कैपिटल पटना में, पटना में हूँ मैं, और अभी आपको मैं पटना दिखाने वाला हूँ आज। बेसिकली मैं अपने हिस्ट्री से लेके चलूँगा आपको। अभी मैं हूँ गांधी मैदान के पास, मेरे पीछे ये था मेरा होटल, होटल मौर्या, जहाँ पे मैं रह रहा था। और ये है भाई साहब गांधी मैदान, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है पटना का। अगर आप देखेंगे तो, अगर देखोगे तो भाई आप, ये है गांधी मैदान, आप अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे सारे फंक्शंस वगैरह यहीं पर होते हैं, जैसे कि 15 अगस्त, चार दिन पहले था तो यहाँ पे फंक्शंस हुए होंगे गांधी मैदान में, और यहीं पे आई थिंक तिरंगा भी फहराया जाता है अगर मुझे सही से याद हो। पटना में मैं 2 साल रहा था, बेसिकली मैं रहा था बाजार समिति में, वो मैं लेके चलूँगा जब मैं अभी जाऊँगा। आज से 5-6 साल पहले रहा था यहाँ पे, तो मतलब 6-5 साल हो गए पटना को छोड़े हुए और दुनिया घूमते हुए, मतलब दुनिया घूमते हुए तभी मेरे को 4 साल इंटरनेशनल हो गए भाई, ऑलमोस्ट हो गए इंटरनेशनल हो गए, 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इंटरनेशनल ट्रिप किए हुए, और पटना को छोड़े हुए तो अराउंड 6 साल हो गए होंगे, क्योंकि कोटा में भी मैं रहा था। ये है गांधी मैदान। नास्तिया, डू यू लाइक पटना? डा व्हाई? It's not you. Because every time when they ask, what I need to say? I don't like Patna. You don't like Patna? What I need to say? Okay. Хорошо. So, aaj, do you like the weather here or no? Or still hot for you? Here, I understand here more hot than in, where we was now? In Varanasi. Really, at night, very normal weather, like cold, normal. At night cold, yeah? Not cold, normal for me, da. Normal for you. What? And like in Bihar, I understand that it's more hot for me. In Bihar, more hot for you. Da, because in your home, more hot at night still. Yeah, yeah, Bihar thoda jyada garam hai, ye bolna cha rahi hai. Nastya, you want pani puri or no? Da, Adindva. So. How you cross road? You want to cross like Bye. Bihari? Ye bhi dekho road cross karegi, thoda road cross karna seekh rahi hai. Jao, jao. You don't need to wait. Hindu ek. Important, don't fall. Don't fall. अभी अरे भाई क्या? अरे भाई यार क्या? अरे मैं आपको देखता हूँ। एक्सीडेंट करवा दोगे भाई जनाब तो? हाँ। एक्सीडेंट कर जाएगा सर। चलो 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 रोड क्रॉस करवा जाओ। अच्छा। अच्छा पानी पूरी खाते हैं। तो भाई जान पे खेल के रोड क्रॉस किए हैं, अब थोड़ा पानी पूरी खाया जाए। भाई थोड़ा मीठे में वो लगा देना, खट्टा लगा देना। नास्ते, यू वांट ट्राई? दवाई ट्राई ट्राई एक सेकंड खट्टा डाल दो। हाँ चलो ठीक है भाई, थैंक यू। चलो चलो खाना खा लेते हैं, मतलब कोई वीडियो बनाने वाला है नहीं हमारा, तो मैं पहले खाना खा लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। नास्ते हालत खराब हो गई, व्हाट हैपेंड नास्ते? I forgot about water. First time in my life I forgot about water and did pani puri without water. I'm just run to water. Fine. काफी स्पाइसी पानी पूरी था भाई, मेरी हालत खराब हो गई, इसके तो होंगे ही। अरे यू कैन गेट दिस वाटर, कोई स्वीट वाटर वहाँ पे भाई, वो है डाब कोकोनट वाटर। हाँ डा एक चाय भी, कितने की चाय भैया? 10 रुपया। दो बनाए? हाँ दो बनाए, नहीं एक चाहिए, एक चाहिए। हाँ ठीक है, हस्ती इवन चाय और नियत तो है वन ककनात। 10 रुपये दे दो। नास्ते You want to sleep like this? I slept like this already. Where? Almost. Where? In Varanasi when we can't find. Any hotel? Da. I'm prepare some blanket for sleep. For sleep? Da. भाई क्या हुआ था वाराणसी में कि हम लोगों को रात को जगह ही नहीं मिल रही थी, मैंने कहा चलो अब सोना पड़ेगा ट्रेन स्टेशन पे ही, तो ऑलमोस्ट सो चुके थे इस तरह काइंड ऑफ, तो वही मैंने इसके साथ जोक किया यहाँ पे इस तरह सोना है, क्योंकि भाई इसके लिए बहुत तो भाई साहब मैं अभी आ गया हूँ पटना के सबसे आइकॉनिक जगह गोलघर के पास। ये गोलघर काफ़ी फेमस है, जब बचपन में था तो पढ़ता था कि गोलघर कहाँ है पटना में, गोलघर कहाँ है पटना में, तो आज गोलघर आया हूँ। हालांकि सच कहूँ भाई
मैं पटना में रहा हूँ 2-3 साल, बट पहली बार यह गोलघर आ रहा हूँ। इससे पहले आज तक मैं कभी गोलघर नहीं आया हूँ। आई गेस अगर गूगल मैप की माने तो यही लेफ्ट में ही होगा कहीं गोलघर, थोड़ा आगे चल के देखना पड़ेगा। ये ई रिक्शा वाले भाई साहब आजकल काफ़ी हो गए हैं, जब मैं था तो उतने ई रिक्शा हुआ नहीं करते थे, जनरली ऑटो हो गया करता था, बट अब ई रिक्शा काफ़ी हो चुका है। हाँ, गर्मी भी भाई हो रही है थोड़ी थोड़ी। चलो चलते हैं ऊपर से। हाय भाई। हाय। तो भाई मेरे सामने है ये गोलघर, ये है पटना का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक थिंग, काफ़ी फेमस है। आप थोड़ा इसके बारे में मैं जानता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या, और ये खुला हुआ है भी या नहीं, क्योंकि पता नहीं कहाँ से एंट्री भी या नहीं है। ठीक है सर, मेरे इधर से एंट्री होगी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। भाई गोलघर रास्ता इधर से जाने का, किधर से जाएगा गोलघर? गोलघर अंदर से, अंदर से, आगे से, थोड़ा आगे से है। सीधा फिर लेफ्ट। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई। लेफ्ट सीधा लेके लेफ्ट चलना पड़ेगा, ये गोलघर जाना है। अच्छा यही वाला कहीं है, दिख नहीं रहा आपको, बट गोलघर यहीं कहीं पर है। तो भाई साहब मैं आ चुका हूँ गोलघर के पास, ये है गोलघर। आई थिंक ऊपर जाने की अब जाने की इजाज़त है या नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूँ इसके बारे में कि ये 1786 में बना था, और ये लाइक ग्रेन रखने के लिए बनाया गया था, कहते हैं ग्रेनरी, ग्रेन रखने के लिए बना गया था 1786 में, बंगाल आर्मी के द्वारा बनवाया गया था इसको। और ये है भाई इसकी हिस्ट्री, छोटी सी हिस्ट्री, ये है गोलघर। अब इसके अंदर कितने ग्रेनेड रखा गया था पता नहीं, अभी तो भाई साहब सिर्फ लकड़ी दिख रही है अंदर रखे हुए। ये है ग्रेनरी के लिए, इसके अंदर धान गेहूं वगैरह रखा जाता होगा। अब फोटो नाश्ता, बिहार में फेमस तो रखी है, पूरे इंडिया में फेमस है नाश्ता। तो ये है भाई गोलघर, ऐसा दिखता है आपको। चलो मैं उस तरफ जाके दिखा देता हूँ कैसा दिखता है गोलघर। तो भाई एक्चुअली होता क्या है कि कोई एक भाई साहब फोटो के लिए टोकते हैं नाश्ते, फोटो के लिए नाश्ते बोलती है हाँ जो, उसके बाद भाई 15 मिनट तक नाश्ते के साथ फोटो होते रहता है, परेशान हो जाती है ये भी, क्योंकि एक लोग आए चलो दूसरा लोग देखते हैं कि ये फोटो के साथ फोटो ले रहा है, दूसरा भी आते हैं, तीसरा भी आते हैं, चौथे भी आते हैं, पाँचवें भी आते हैं। ये सिर्फ बिहार में नहीं भाई, इंडिया के हर पार्ट में हो रखा है, लखनऊ में भी ये, लखनऊ नहीं वाराणसी में यही हाल था, मतलब बस क्योंकि ये गोरी है इसके साथ फोटो लेना चाहते हैं लोग। पश्चिमो यू गोरी अभी हम पटना के गोलघर में उपस्थित है, लेकिन गोलघर में मिल गए हैं शुभम भाई, नोमैड शुभम, इनका ब्लॉग है, काफी देश विदेश घूमते हैं, अभी पटना गोलघर में आए, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अभी घूमते घूमते मैं पटना पहुंच गया, अभी अच्छा लग रहा है, पहली बार आ रहा हूँ पटना, 2 साल रहा हूँ बट पहली बार आ रहा हूँ गोलघर। अच्छा पटना में तो रहे हैं लेकिन पहली बार आप आ गए? पहली बार आ रहा हूँ गोलघर। अच्छा शुभम जी, आपने बहुत सारे देश में घूमा है, जरा बताएंगे थोड़ा जर्नी, कैसे कैसे आपने इतना देशों में घूमा, पढ़ाई की क्या स्थिति थी, कैसे कैसे आपने इतने देशों में घूमा और कितने देशों में आपने घूमा, जरा बताना चाहेंगे आप? अभी तक मैं अराउंड 55 देश गया हूँ, एंड कुछ दिनों के बाद अराउंड 57-58 हो जाएगा, जिस हिसाब से मेरे ट्रैवल प्लान बनाया है। अच्छा मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया था लाइक कोटा से, मैं पटना से फिर कोटा गया था, पटना कोटा पकड़ के। अच्छा उसके बाद कोटा में जाके पढ़ाई में उतना मन लगा नहीं, और IIT की प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बाद मैं वहाँ से चला गया घूमने के लिए, अलग अलग पार्ट चला गया घूमने के लिए, उदयपुर वगैरह, फिर जो नज़दीकी पार्ट था कोटा के, जैसलमेर वगैरह, उसके बाद फिर मैंने वहाँ से थोड़ा इंडिया में ट्रैवल किया, फिर इंडिया का ट्रिप स्टार्ट किया मैंने। शुभम भाई, अगर हम लोग ट्रैवल अगर नॉर्मल अपने बिहार में कर लेते हैं थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, लेकिन आप देश विदेश करते हैं, वहाँ के लोकल लोगों से परेशानी हो जाती है, बहुत सारा लोग अलग अलग लोग पाए जाते हैं, तो कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है आपको? परेशानी की बात है तो, लेकिन अगर आप ट्रैवल अपने मन से कर रहे हैं, आपका शौक है, तो आपको परेशानी नहीं, किसी में आपको मजा आएगा, लेकिन आप कहीं जाने के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपको परेशानी दिख सकती है, लेकिन आप ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो परेशानी नहीं होती। आपका दोस्त है, जरा इधर फोकस कर रहे हैं, देखिए क्या नाम है इनका? इनका नाम नास्ते है। अच्छा कहाँ से है ये? रूस से। अच्छा रूस से है, तो लगातार आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मैं ब्लॉग में देखता हूँ लगातार आप। हाँ कुछ ले अराउंड ऑलमोस्ट 1 साल से काफ़ी ट्रैवल कर रही, जितना भी हो सकता है इसके पास वर्क एंड ट्रैवल के साथ साथ। आप अन्य देशों में गए हैं, सबसे ज़्यादा आपको कठिन किस देशों में घूमना लगा है? अफगानिस्तान था मेरे लिए। अच्छा क्योंकि वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मुझे कठिन लगा ट्रैवल करना वहाँ पे। तथा सूडान में भी हाल था कि सूडान में ट्रैवल डिफरेंट है। अच्छा एक बार आपको राष्ट्रपति जी फोन किए थे शायद, ऐसा कुछ हमने ब्लॉग में देखा था, किस मामले के लिए फ़ोन किया था, क्या बात हुई थी? जस्ट लाइक नॉर्मल लाइक उनके ब्लॉग वगैरह फॉलो करते हैं मेरे पास, इसी बात को। अच्छा कहाँ से हैं आप शुभम जी? मैं भागलपुर से हूँ, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, भागलपुर के पास मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। और इधर आप देख सकते हैं ब्लॉग्स बना रहे हैं, इनका इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ तो ब्लॉग बना रहे हैं। शुभम जी बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिए इसके लिए, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो भाई अभी हम लोग गोल घर पे थे, उसके बाद कुछ 2-3 प्रेस वाले आ गए,
वीडियो वगैरह मतलब शूट करने लगे, इंटरव्यू वगैरह लेने लगे। इंटरव्यू के बाद हम लोग अब जा रहे हैं, मैं जहाँ पहले रहता था 6-7, 5-6 साल पहले, जो भी मान लो आई थिंक 2017 या 2015 में मैं यहाँ पे था, एग्जैक्ट याद नहीं है, आई थिंक 15 में था मैं यहाँ पे 2015 में, तो अराउंड ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं। 7 साल पहले मैं जब यहाँ पे आया था, जहाँ मैं रहता था वो था बाजार समिति वाला एरिया, तो उसी बाजार समिति वाले एरिया में हम लोग अभी जा रहे हैं। टैक्सी लेके भाई, ओला टैक्सी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ओला का ऑटो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ से भाई साहब कितने पैसे लोग, उन्होंने कहा 300 रुपये, मैंने कहा यार 300 रुपये तो नहीं है, फिर मैंने ओला पे चेक किया तो 128 रुपये में हम लोग छोड़ रहे हैं ये भाई साहब। तो मतलब ओला अगर आप पटना में कहीं भी आप हो तो ओला टैक्सी वगैरह एक बार देख लो रेट कितना है, अगर वो रेट में दे रहे हैं या थोड़ा मोड़ा 20-25-30 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं नहीं तो फिर ओला बुक कर लो। तो भाई साहब पटना के ट्रैफिक से हम लोग पार करते हुए ऐसा कुछ है, और ये विमल युवा केसरी टीम भाई साहब जो कि तंबाकू का प्रमोशन कर रहे हैं ऐसा है, ठीक ठाक है। नाथिया यू लाइक मोर ट्रैवल इन टुक टुक और इन कार? इन टुक टुक। Why? Because before I don't like because my hair like, but now I like more because fresh air. काफी fresh air, चलो काफी fresh air मिल जाता है इसके कारण ये इसको पसंद कर रही है। ऐसा कुछ है भाई, बहुत लोग आई थिंक अभी जाने वाले हैं NFC, जहाँ मुझे जाना है NFC मैं पैदल चल के जाऊँगा। जनरली मैं हमेशा जब भी मैं घर से आता था तो मैं उधर था राजेंद्र नगर टर्मिनल, उसके बाद मैं 15 या 10 रुपये की ऑटो लेके शेयरिंग ऑटो में जाता था मैं NMCH, फिर वहाँ से पैदल ब्रिज क्रॉस करके, पहले तो ब्रिज था भी नहीं जब मैं गया था, अभी आपको मैं दिखाऊंगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसको क्रॉस करके फिर अपने में जाता था हॉस्टल वगैरह जहाँ पे मैं रहता था। तो भाई मेरे इस तरफ राजेंद्र नगर टर्मिनल है, अगर थोड़ी दूर आप जाओगे तो लाइक अराउंड यहाँ से मान मुश्किल से 700-800 मीटर होगा, उस पुल के जस्ट बाद राजेंद्र नगर टर्मिनल। लेकिन जब मैं ट्रेन पकड़ने के लिए आता था तो ये यार्ड है, यहीं पर मैं आता ट्रेन पकड़ता था सारी, मोस्टली मैं जब ट्रेन पकड़ता था वो था राजेंद्र नगर बांका एक्सप्रेस जो यहाँ से चलती है, मेरे घर के पास सुल्तानगंज जो रेलवे स्टेशन है मेरा वहाँ पे छोड़ दे रही थी, रात के 11 बजे से निकलती थी और सुबह के 4 बजे घर पहुँच जाते थे, ये रोज़ मतलब महीने का तो 2 बार कहीं मैं चले जाता था घर, ऐसे ही किसी दिन उठ के निकल गया फिर किसी दिन पहुँच गया, ये चलता रहता था मेरा ये। और ये भी हालांकि जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था ये ब्रिज नहीं बना हुआ था, पहले वहाँ से मैं क्रॉस करता था, आई थिंक यहाँ से 7 साल पहले की बात है, वो वाला जो एरिया दिख रहा है वहाँ से क्रॉस डायरेक्टली वहाँ पे, बट अब उन्होंने ब्रिज बना दिया है तो अब ब्रिज से क्रॉस करना पड़ा है। काफ़ी चेंज दिख रहे हैं, काफ़ी बदलाव दिख रहे हैं मुझे, मतलब पुराने जगह आके मैं काफ़ी बदलाव दिख रहे हैं। और ये एरिया जो लेके जा रहा हूँ वो स्टूडेंट एरिया है, वहाँ पे मुश्किल बड़े बड़े पड़े हैं स्टूडेंट, काफ़ी यंग जनरेशन पर रहती है, सिर्फ स्टूडेंट बड़े पड़े हैं। और ये कोई ट्रेन आ रही है जा रही है पता नहीं क्या कर रही है, ट्रेन कभी आती जाती है आती जाती है, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या मतलब है कि ट्रेन आ जा क्यों रही है। चलो चलते हैं अब। तो भाई बाजार समिति आ गए हैं, इसी एरिया में वॉक कर रहे हैं, थोड़ा अपने जो पुराने पुराने जो जगह थे वहाँ विजिट कर रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे। हालांकि ये भाई एरिया सच कहूँ पटना का सबसे मुझे गंदा एरिया लगता है, मतलब काफ़ी गंदगी फड़ी हुई इधर, काफ़ी स्टंट रहते हैं, एकदम स्टंट एरिया है जैसे मैंने बताया। एक बात आपको इन्फॉर्मेशन और दूँ, जब मैं यहाँ पहली बार आया था 2015 में, अब मुझे याद आ गया एग्जैक्ट कब आया था, 2015 के मैं अप्रैल में आया था, अप्रैल में एक महीने में आया था 10th के एग्ज़ाम देने के बाद, उसके बाद मैंने यहीं पर इनाम लिखवाया IIT JEE के प्रिपरेशन के लिए, हालांकि हुआ तो कुछ नहीं बट अभी मैं बस ट्रैवल कर रहा हूँ यही हुआ अभी मेरे से। अच्छा क्या आपको YouTube चैनल? हाँ चला YouTube। तो भाई साहब अभी मैं हूँ बाजार समिति के केला मंडी वाले एरिया में, यहीं पर मैं पहली बार आया था जब मैं यहाँ पर रहने के लिए आया था, केला सस्ता है यहाँ पे, केला मंडी नाम से ये कहलाता है। कितने का भैया केला ये? 20 रुपये दर्जन। 20 रुपये दर्जन, बड़ा महंगा हो गया है। बहुत सस्ता है। सस्ता है? नहीं बहुत सस्ता, 20 रुपये दर्जन। मुझे याद है एक बार ऐसा ऑफर आया था कि इतने केला वहाँ यहाँ होते थे कि पहले भरपेट केला खाओ फिर खरीदो, तो मैं और मेरा एक दोस्त था यहाँ पे आशीष, हम दोनों यहाँ पर आते थे और केला खरीद के चले जाते थे, भरपेट खा लेते थे, वही हमारा खाना हो जाता था। और यहाँ पर मैं अराउंड 1-1.5 साल रहूँगा यहाँ पे, इस पूरे एरिया में बहादुरपुर थाना है यहाँ पर मैं पास में, यहीं से मेरा फ्लिपकार्ट वगैरह भी मंगवाना स्टार्ट हुआ था कि ऑनलाइन शॉपिंग, तो मतलब 7 साल पहले भाई यहाँ पर आया था और देखिए सब कुछ अब याद सा आ रहा है और काफ़ी इमोशनल सा भी फील कर रहा हूँ कि यार ये एरिया में मैं भी एक स्टूडेंट हुआ करता था, जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उसमें से मैं एक भी था पहले या 7 साल पहले। इस हिसाब से मैंने बताया कि इट्स समवेयर आइसक्रीम। आइसक्रीम वांट बनाना? नहीं है तो आई बनाना इन होम एवरी टाइम। अच्छा अच्छा चलो यहाँ पे काम चल रहा है ऐसा, थोड़ा रोड चौड़ा हो गया, जब मैं 7 साल पहले था थोड़ा रोड थोड़ा उतना चौड़ा था नहीं,
काफ़ी रोड चौड़ा हो गया है। यहाँ पे फल मंडी है, फल वगैरह खरीदने के लिए। ये ऐसा कुछ माहौल है भाई। भाई कभी कभी मैं यहाँ पे खाना पीना खाता था आके, मैस वगैरह था यहाँ पे। हालांकि मोस्टली मैं यहाँ पे खाना खुद से ही बनाता था, लेकिन एरिया अब काफ़ी रियली में सच में बहुत चेंज हो गया है। यहाँ पे भाई सच कहूँ तो जब मैं था तो काफ़ी सारे यहाँ पे गंदगी फैली हुई थी। थोड़ा अब साफ हो रखा है, थोड़ा सा सच कहूँ थोड़ा साफ रखा है। एक्सीडेंट होते होते बचा अभी। ये पूरा एरिया है, ये भी नया बनाया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे था तो यहाँ पे खाली था पूरा। नाश्ते आप जिस पे हमें इस तरफ जाना है, क्योंकि मैं अपनी पहली रूम खोज रहा हूँ जहाँ पे मैंने रहना स्टार्ट किया था। आई थिंक मैं 400-500 रुपये देता था पेंट पर, देख मैं भी ज़्यादा थोड़ा आई थिंक यार इतना एग्जैक्टली याद नहीं कितना देता था मैं, अराउंड 600-700 रुपये देता हूँ मैं एक महीने रहने के यहाँ पे इस एरिया में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने के लिए। मुर्गा, अगर यहीं से मैं मुर्गा खरीदता था, मुर्गा और बनाता था खाना। वांट मुर्गा? ये तो पछिमु इन रशिया यू विद वेरी मच नन मी इफ यू डोंट वांट। आई डोंट वांट सी हाउ शी डाइड। आई डोंट नो हाउ शी डाइड बट यू नो शी डाइड एंड यू विद हिम पतम नॉर्मल ला। आ जाओ दबाई, आई शो यू। भाई मेरे सामने देख रहे हो लिखा हुआ अंग्रेजी बोलना सीखिए 120 दिनों में। इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना अगर आप यहाँ पे रह रहे हो। मैंने ट्राई किया, कुछ नहीं हो पाया अंग्रेजी में, मैंने फिर खुद ट्रैवल करते करते सीखा। नाश्ते खुदा गवारी इन तो दोस्ती दें सीते रहे मैसेज। यू कैन स्पीक स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इफ यू गो टू द व्हाट गवारी यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ओ इंग्लिश या गो टू दोस्ती ने इन वाज दोस्ती दें डोंट बिलीव द द फेक द गवारी तो फेक 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 फेक। तो भाई ये अमोट है, ये 100 ग्राम हो गया क्या? राजू सही है ना भाई? हाँ भैया 600 ग्राम तो लगने रहा भैया हमको थोड़ा सा देने भैया जितना होगा उतने को। 25 का 100 बोले ना आप? हाँ भैया बड़ा महंगा हो गया भैया, जब मैं यहाँ पे रहता था तो ये मिलता था 5 रुपये में 100 ग्राम। बड़ा महंगा हो गया सब माहौल, 5 ग्राम महंगा हो जाएगा 7 साल में, एक कोई बात हुआ। चलो कोई बात नहीं, होने को महंगा क्या कर सकते हैं। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे मैं पहले रहता था, अब वहाँ पे आपको दिखाएंगे जो कि मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। बस अभी ये दिखाना था कि ये केला मंडी है। भाई साहब ट्रैफिक कितनी खतरनाक है। और नास्तिया मेरे को मतलब नास्ते तो को लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। हाँ यू थिंक दैट आई विल डाई हियर? आई स्टे हियर फॉर दुआ गोद। व्हाट यू डू व्हाट यू डू दबाई 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 कम फास्ट 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 फास्ट। मुझे इसका डर लग रहा है, ये मेरे लिए सोच रही है। इतने बड़े बड़े ट्रक, सुबह सुबह कोचिंग क्लास जाता था पूरा भरा रहता था ये एरिया, फिर भी चला जाता था मैं। तो कि एक्सपीरियंस भाई एक्सपीरियंस, इन सब छोटे छोटे गलियों से निकल जाता था मैं जस्ट इस तरफ से। पूरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। वापस एक बार एरिया दिखा देता हूँ, काफ़ी गर्मी लग रही है। कभी कभी मैं यहाँ भी रहा था और यहाँ पे बहुत सारे टीचर स्टूडेंट हैं। हाँ ये एरिया क्या बताऊँ भाई, बहुत बहुत कुछ सिखाया इस एरिया ने, बहुत कुछ स्टार्ट ही हुई थी मेरी ट्रैवल तो नहीं बोलूँगा कि यहाँ से, मैंने ट्रैवल के बारे में कुछ सोचा भी नहीं था, बट मेरे लाइफ का पहला चैप्टर था जहाँ से मैंने अपने घर से निकल के पटना आया था, पटना किस एरिया में रह रहा था। तो यही था, आपको अगले वीडियो में आपको और वीडियो दिखाऊंगा और ट्रैवल लाइक जहाँ पे मैं रह रहा था और इस पूरे एरिया को पूरी तरह से दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। मेरा इंस्टाग्राम है नमस्ते, अगर फॉलो कर तो फॉलो कर लेना। फिलहाल के लिए बाय। दस्त भी दानिया। दस्त भी दानिया। नमस्ते।